जिला बाल कल्याण विकास परिषद की ओर से गांव कौंडल में आयोजित महिला सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में गांव की आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, हेल्पर और सैकड़ों मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। गांव कौंडल और माण नाका की चौपाई पार्टियों ने जहां ब्रज की पारंपरिक वेशभूषा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर अपनी अभिव्यक्ति दी। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा बाल कल्याण विकास परिषद के मानद सचिव कृष्णा ढुल मौजूद रहे। हरियाणा बाल कल्याण विकास परिषद के मानद सचिव कृष्ण ढुल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव कौंडल में मिनी बाल भवन बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, उसी के संदर्भ में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने चूँकि कौंडल गांव को इसलिए चुना कि कौंडल गांव हरियाणा में विशेष तौर पर इसलिए जाना जाता है कि यहां जो लिंग अनुपात है वो लिंग अनुपात हरियाणा में जो 7,500 से ज़्यादा गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की तुलना अगर बात करें 1,000 लड़कों पे तो 1,134 के आसपास जो है लड़कियां वो इस गांव की हैं। इसलिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने यहां जिन लड़कियों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में आज उनको पारितोषिक वितरण दिया गया है। ऐसी हमारी महिलाएँ चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं और गांव की ऐसी और महिलाएं जिनके पास 3-3 बेटियां हैं उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है उनको भी हमने विशेष तौर पर सम्मानित किया गया है। आज गांव कौंडल में ये जो महिला सम्मान दिवस मनाया गया इसके लिए मैं कौंडल जिले की ग्राम पंचायत का भी विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। बाल कल्याण परिषद द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ इस समय चलाई गई? जिला के गाँव के सरपंच संदीप ने मुझे एक ज्ञापन दिया है और एक रेजुलेशन पास करके दिया है कि वो ग्राम पंचायत की एक भूमि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को दे रहे हैं और जिस पर हम लोग जो है मिनी बाल भवन बनाएंगे।